नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित, मैं हूं शिवम। क्या तमाशा लगा रखा है इन सियासी जमात के नेताओं ने। ऐसा लगता है कि जनता ने इन्हें हिंद बना दिया और कहीं भी किसी को भी हड़का दे रहे हैं, एक धमका दे रहे हैं। राष्ट्रहित में आज मेरा यह सवाल है कि इन नेता, सांसद, विधायक, मंत्री को किसने अधिकार दिया कि ये लोग नियमों को ताक पर रख दें और किसी को भी हड़का दें। एक नहीं, ऐसे मामले हैं, दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनको इन नेताओं ने नियमों को किनारे पर रख दिया और खुलेआम गुंडई की। अब झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर क्या हुआ? दरअसल आज FIR हुई और उसके बाद मुझे लगा कि इस पर मुझे ये कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित में ये बहुत जरूरी है कि हमारे राष्ट्र को चलाने वाले जो नेता हैं उनको कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए, इतने तो संस्कार होने चाहिए कि जो वो संदेश देंगे वो जनता में किस तरह का जाएगा। अब झारखंड का वाकया मैं आपको बताता हूं, हैरानी होगी आपको। एक FIR कॉपी आ जाई, FIR करनी पड़ी एक सांसद के ऊपर जो कि बीजेपी के हैं। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर कथित तौर पर सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ कुंडा थाने में FIR दर्ज की गई है। अब ये FIR क्यों दर्ज की गई, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। इस FIR में निशिकांत दुबे के बेटे का भी नाम है, दो बेटों का भी नाम भी शामिल है। आप जानते हैं कि इस FIR में जो बातें लिखी गई हैं वो थोड़ी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि सांसद से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे दस्तावेज नहीं है, ये वहां के कलेक्टर के दस्तावेज हैं। दरअसल सांसद जी ने बीजेपी सांसदों के साथ झारखंड के दुमका जाना था। 31 अगस्त को झारखंड के दुमका शहर जाने के लिए वो देवघर एयरपोर्ट पर उतरे और ये सभी लोग दुमका में एक तरफा प्यार की शिकार हुई अंकिता के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे। इस लड़की को एक शाहरुख नाम के शख्स ने उसके साथ जो किया उसके बाद उसकी मौत हो गई और बड़ा हंगामा हुआ। और आज भी ये मांग, मैंने भी कार्यक्रम किया और मैं मांग करता हूँ कि इस आदमी पर जिसने घटना की कांड किया उसको सजा होनी चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन इसी घटना को सियासी रंग भी दिया गया, क्योंकि झारखंड के सियासी हालात से आप रूबरू होंगे ही कि वहाँ पर किस तरह की परिस्थिति इन दिनों है। तो बीजेपी के सांसद वहाँ पर गए हुए थे और बीजेपी के ये सभी नेता वहाँ पर जाने के लिए देवघर एयरपोर्ट पर उतरे, ये उनका चार्टर्ड प्लेन था जहाँ से वो दुमका के लिए रवाना हो गए। बीजेपी के दोनों जो नेता थे, जिनके जो मेन थे इसमें, इस पूरे डेलीगेशन में आप कह सकते हैं, वो देवघर एयरपोर्ट के नियमों को ताक पर रखकर वापस आए और वहाँ से उन्होंने उड़ान भरी। अब मामला ये हो गया कि उन्होंने जो कुछ भी किया इस पूरे समय में वो नियमों के हिसाब से नहीं किया। आरोप किसने लगाया, ये आरोप कैसे लगे, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको देवघर के जिलाधिकारी मंजूनाथ को समझना होगा, क्योंकि वो खुल के ट्वीट के माध्यम से भी अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर विस्तार से उस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है जिसके तहत निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। देवघर DC के ट्वीट के हिसाब से, वो मैं कोट करके बता रहा हूँ ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, और ये एक ट्वीट नहीं है, उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और ATC बिल्डिंग के अंदर बिना किसी अनुमति के यात्रियों के प्रवेश को लेकर उपायुक्त कार्यालय को पत्र मिला है। तारीख लिखी उन्होंने 31/8/2022 को एक चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पर लगभग 1:05 पर पहुंचा। यानी ये चार्टर्ड प्लेन किसका था, निशिकांत दुबे जो कि सांसद हैं और उनके साथ करीब 9-10 लोग और थे, और यहां से निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और बाकी लोगों को रिसीव करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इसके बाद उसी दिन, यानी 31 अगस्त को शाम को लगभग 5:25 पर चार्टर्ड प्लेन के यात्री और उनको विदा करने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे। सभी यात्रीगण चार्टर्ड प्लेन के अंदर चले गए और प्लेन का दरवाजा बंद कर दिया गया। उसके कुछ देर बाद प्लेन का दरवाजा खुला और उसके पायलट ATC की तरफ चले गए। सामान्य तौर पर शाम 5 बजे यानी 5:30 तक ही यहां से विमानों का संचालन किया जाता है, यानी देवघर एयरपोर्ट से। देवघर एयरपोर्ट पर रात में टेक ऑफ करने या लैंडिंग की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए लो विजिबिलिटी और खराब मौसम की स्थिति में एयरक्राफ्ट को ATC क्लियरेंस देना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बावजूद इसके चार्टर्ड प्लेन के पायलट और यात्रियों ने ATC कर्मियों पर क्लियरेंस देने का दबाव बनाया, ये आरोप है DC देवघर का, और निशिकांत दुबे को इसी मामले में आरोपी बनाया गया।
मनोज तिवारी भी इसमें आरोपी हैं और उनके साथ मौजूद लोगों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। एटीसी के दबाव के बाद इसको वहां से उड़ा दिया गया इनके जहाज को। इसी बातचीत के दौरान एटीसी कर्मियों द्वारा मोबाइल पर क्लियरेंस के लिए बात हो रही थी और इसके बाद उन्हें क्लियरेंस मिल गई। थोड़ी देर बाद पायलट और यात्री दोबारा चार्टर्ड प्लेन के अंदर गए और इसके बाद चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कर गया। ये ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी है। डीसी देवघर के ट्वीट में स्पष्ट शब्दों में इन गतिविधियों को एयरपोर्ट संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन बताया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भी बातें उन्होंने अपने ट्वीट में कही या FIR में जो बातें कही हैं उनके तथ्य उनके पास मौजूद हैं और यह स्पष्ट है कि एयरपोर्ट के संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा ATC में प्रवेश किया गया। रात्रि संचालन की सुविधा न रहने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। अब आप समझिए, यह पूरा घटनाक्रम डीसी देवघर ने बताया है। डीसी देवघर ने CCTV फुटेज का हवाला भी दिया और लिखा है कि इस मामले में CCTV फुटेज देखने के बाद पता चला है कि कई लोग ATC बिल्डिंग में घुस गए, यानी ATC का मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसकी बिल्डिंग में घुस गए और इस मामले में राज्य के उड्डयन विभाग को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा। अब ऐसा नहीं है कि इसका जवाब निशिकांत दुबे ने दिया नहीं, उन्होंने भी अपना जवाब दिया ट्वीट के माध्यम से भी। उन्होंने भी बताया कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित होंगे तो सियासत छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि देवघर एयरपोर्ट के एडवाइजरी कमेटी का वो चेयरमैन है और उनका अधिकार है कि वो निरीक्षण करने के लिए एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। उन्होंने देवघर के DC को टैग कर दिया इस ट्वीट में। अब सवाल भी उनसे पूछ लिया उन्होंने, साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साध दिया, कहा कि आपकी कुर्सी जा रही है तो आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मुद्दा अंकिता की निर्मम हत्या का है और उसके परिवार से मिलने के लिए सब लोग गए थे लेकिन इनको दबा लिया गया, इसमें कपिल मिश्रा भी थे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में इसको सियासत का रंग देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा कि आप क्या बौखला गए, इतना बौखला गए, ये कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि पूरा पेड सिस्टम और अधिकारी गाली देने लगे, ये बताया गया। अंकिता और झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी, ये आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया। यानी उन्होंने इस पूरे विवाद को एक तरीके से हिंदू मुस्लिम वाला मामला, हिंदू मुस्लिम का टच दे दिया। इससे पहले उन्होंने डीसी देवघर को टैग करते हुए कई ट्वीट भी किए और सवाल भी पूछे। डीसी देवघर को उड्डयन नियमों को पढ़ने की सलाह भी उन्होंने दी और लिखा कि बतौर IAS अधिकारी देश आपसे बेहतरी की उम्मीद करता है। अब यह मामला हर स्तर पर जांच के दायरे में है। अब इस मामले में निशिकांत दुबे ने अपने बच्चों को शामिल करने के लिए नाराजगी भी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने डीसी देवघर पर भी नियमों को ताक पर रखकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि एक अपराधी का अंदाज है जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए, आपको CCTV देखने की इजाजत किसने दी, निजी अकाउंट से निशिकांत के सवालों के जवाब वो लगातार दे रहे थे। और IAS मंजूनाथ ने इसके बाद फिर ट्वीट किया, जवाब दिया। निशिकांत दुबे के सलाह वाले ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि आदरणीय सांसद सर, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, मैं इस बारे में और पढ़ूंगा। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि DGCA के अधीन आने वाले एयरपोर्ट के सबसे संवेदनशील और सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण जगह यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग में बच्चों और समर्थकों को प्रवेश मिल सकता है सादर। आप समझ रहे होंगे कि ये जो ट्वीट ट्वीट हो रहा है इसमें एक दूसरे के ऊपर कैसे खींचतान हो रही है। एक सांसद है, एक DC है, एक कलेक्टर है। रात में विमानों के लैंड करने से जुड़े सवाल पर मंजूनाथ ने कहा कि फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस वजह से मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मंजूनाथ ने, जो कि DC हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे को टैग करते हुए कुछ सवाल भी पूछ लिए। उन्होंने भी पूछे सवाल, उन्होंने लिखा कि आपको ATC में प्रवेश की अनुमति किसने दी, आपके बच्चों को ATC में प्रवेश की अनुमति किसने दी, आपके समर्थकों को ATC के भीतर प्रवेश की अनुमति किसने दी। अपने ट्वीट में निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए मंजूनाथ ने लिखा कि आदरणीय सांसद महोदय, मैं ATC टावर में नहीं गया था, बेहतर होगा कि इस मामले को जांच के लिए छोड़ दिया जाए। अब इस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा था, आप ट्वीट भी देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये जो तूतू मेमा वाली स्थिति है, ये क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। और एक मामला नहीं है, अभी जौनपुर में भी हाथापाई की नौबत आ गई, जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उनके कार्यक्रम में, इससे पहले भी मैं आपको दिखा रहा हूं अलग अलग राज्यों में किस तरह से ये मारपीट की नौबत आ रही है और एक दूसरे को झापड़बाजी भी हो जा रही है, गाली गलौज हुआ जा रहा है। तो ये स्थितियां बन क्यों रही हैं भाई, इसको आप संवेदनशील मुद्दे पर अगर आप गए उस हिसाब से भी निपटा लीजिए।
अब इस पूरे मामले में जो झारखंड का प्रकरण है, इससे मुझे समझ आ रहा है कि जो बिहार और झारखंड में अभी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, इस पूरे घटनाक्रम का क्या उससे भी कोई कनेक्शन है? और ये समझने के लिए हम कुछ मेहमानों से भी जुड़ेंगे जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ धनंजय राणा देवगढ़ से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हैं। उनसे पहले मैं समझ लूं कि ये है क्या, क्योंकि ये तूतू मैम जो आप सुन रहे हैं वाकई में हैरान करने वाली है। धनंजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? धनंजय, अगर धनंजय सुन पा रहे हो उनको एक बार स्क्रीन पर ले आइए, और अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो उनको दोबारा जोड़ने की आप कोशिश करिए, उनसे हम बात कर सकते हैं। उन्होंने ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसमें सिर्फ डीसी और निशिकांत दुबे की बात नहीं है, इसमें सवाल इस बात का है कि ये जो परिस्थिति आ गई है कि ट्विटर पर ये चीरहरण किया जा रहा है, जो ये तो कम से कम ना किया जाए, थोड़ी तो मर्यादा रखी जाए। कि मर्यादा को ताक पर रख के आप कब तक ये तमाशा करते रहेंगे? हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय राणा साहब। धनंजय राणा हमारे सहयोगी हैं देवगढ़ से। धनंजय, चूंकि अब ये मामला बहुत ऊपर निकल गया है, खूब इस पर बातचीत हो रही है, नेशनल मीडिया में भी इस पर बात हो रही है, क्या ये तरीका, ये क्या ये ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं डीसी और ये सांसद महोदय? सर, कल जो हुआ था, कल कुंडा थाना में, देवघर नगर निगम में आपका नगर थाना कुंडा पड़ता है, जो कि कल वहां पे एक एप्लीकेशन डीएसपी के थ्रू दिया गया था। वहां पे एप्लीकेशन उनके आपका निशिकांत दुबे जो आपके बीजेपी के सांसद हैं, उनके और उनके दो बेटे हैं और आपके मनोज तिवारी, ये तीनों के एप्लीकेशन दिए गए थे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे आए थे, तो उनके विरुद्ध में ऐसा दिया गया था एप्लीकेशन सर कल। नहीं नहीं एप्लीकेशन तो दिया गया था, वो तो अब बहुत आगे बात निकल गई है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने गलत किया या फिर मंजुनाथ जो कि डीसी है उन्होंने गलत किया? एटीसी के अंदर क्या वो कार्यकर्ता लेके घुसे? यहाँ तो यहाँ किसी का नहीं है। पहले तो बोला गया था कि सरकार जो है ये निशिकांत दुबे के जो भी है उन्हीं के तहत ही गलत हुआ है। अच्छा। डीसी साहब के तहत गलत नहीं हुआ, यहाँ जो है पब्लिक के लिए ही यहाँ सब है। वो बताया गया था कि यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ शाम में मतलब जो भी है कि इवनिंग के बाद यहाँ कोई प्लान नहीं चलेगी। लेकिन हाँ ये एक चीज निकल कर आ रही है क्योंकि डीसी कह रहे हैं कि कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और शाम को यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकती कोई फ्लाइट, ये क्या मामला है सर? एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं आपका गोपाल शर्मा जी, वो साथ में है हमारे, तो उनसे थोड़ा बात कर। जरूर 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 बात कराइए। गोपाल शर्मा जी, स्वागत है आपका के न्यूज पे। जी आपका भी स्वागत है सर। हाँ गोपाल शर्मा जी, क्या चल रहा है देवघर में? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सारी चीजें देखते हैं समझते हैं, ये क्या चल रहा है? ये सांसद और डीसी अगर ऐसे तूतू मैमे करेंगे ट्विटर साइट पे, ऐसा लग रहा है कि बच्चों की लड़ाई चल रही है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में दो लोग लड़ाई करते हैं वैसी ये हरकत कर रहे हैं ये लोग। कोई मर्यादा नाम की चीज बची है कि नहीं बची है? क्या मामला क्या है ये? देखिए राजनीति में तो मर्यादा नहीं ही बची है और देखने को हमें से मिलता है, लेकिन ये एयरपोर्ट विवाद या गुड्डा सांसद आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब जब यहाँ नियम है कि जहाज नहीं हो सकता है सकती है, वैसे परिस्थिति में उन्होंने जाके सुरक्षा नियमों तो गाड़ी जहाज में बैठ गेट बंद मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कम से कम इतना रहम करें कि इसको सही तरीके से चलाने की कष्ट करें, ये बहुत जरूरी चीज है। जैसा कि हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट देवघर से जुड़े हुए थे, देवघर की बड़ी मान्यता है, भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है इस शहर पे, और यहां पे जो कुछ भी हुआ इसका सिर्फ मैं देवघर के संदर्भ में देवघर के उसके बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लिस्ट भी दिखा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए कि अलग अलग जगह पर पिछले दो दिनों की ये घटनाएं हैं जो मैं दिखा रहा था। वो ग्राफिक्स अगर है संभव हो सके तो उसको दिखाइए आप स्क्रीन पे कि ये देखिए, झांसी में सड़क टेंडर को लेकर बीजेपी के जो विधायक और जिला अध्यक्ष थे वो बढ़ गए। अब ये लोग क्यों बढ़ गए ये भी आप समझ सकते हैं। झारखंड में ये विवाद तो मैं आपको बता ही रहा हूं, कलेक्टर और सांसद भिड़े हुए हैं आपस में, 9 लोगों के खिलाफ FIR हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी विधायक अरविंद लिंबावली ने एक महिला को गाली दे दी।
गाली का ग्लोव का मामला हो गया, नोएडा और अलीगढ़ में बीजेपी नेताओं की गुंडई का जो वीडियो था वो भी हमने आपको दिखाया था, है ना। तो इसके अलावा ये सिर्फ यही घटना नहीं है, जौनपुर का भी वीडियो अभी आपने देखा होगा, ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में मारपीट की नौबत आ गई और दो बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। इस तरह से एक बार जूता चलने का भी मामला आपने देखा होगा कि एक मीटिंग में जूता भी चल गया। ये एटीसी के कुछ नियम होते हैं भाई, और उन नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी होता है कि जिस जहाज से आप उड़ने वाले हैं वो कंट्रोल तो एटीसी ही करेगा, और अगर एटीसी की नियम नहीं आप मानेंगे, एटीसी के नियमों को ही ताक पे रख के आप काम करेंगे, तो फिर आपकी जान की गारंटी कौन लेगा। अगर वो हवाई जहाज रास्ते में खुदा ना करे भगवान ना करे क्रैश हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? एटीसी जिम्मेदार होता, वो अधिकारी जिम्मेदार होता जो वहां पर तैनात था। अब उस अधिकारी के खिलाफ, उस अधिकारी की आप बात नहीं मान रहे हैं, वो अधिकारी अपनी बात बता रहा है, सांसद जी अपनी बात बता रहे हैं, तो भैया इसको ट्विटर पे करने की क्या जरूरत थी? ये भी हमारा सवाल है राष्ट्रहित में आज, इसको इतना ट्विटर पे तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए एक बार फिर से, धनंजय। धनंजय क्या अब आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए, जो वो कह रहे थे बोलिए, क्या कह रहे थे आप? एयरपोर्ट का क्या मामला है? एयरपोर्ट का मामला ही नहीं, इससे पहले भी जब पिछले कई कहानियों कई राजनीतिक मामले को देखा जाए तो दिखता है सांसद की मानसिकता दिखती है कि वे हमेशा टकराव के मुद्दा में रहते हैं और हमेशा सुर्खियों में, उनका उद्देश्य होता है कि मीडिया के सुर्खियों में बने रहे। एयरपोर्ट के मामले में जहां उनको क्लियरेंस मिल रहा था, वो फ्लाइट में बैठने के बाद गेट बंद करने के बाद पुनः लगता है ऐसा कि अपना रुतबा दिखाने के लिए वे एटीसी रूम में गए और वहां एटीसी पर दबाव बनाने लगे, जबकि एटीसी ने क्लियर कहा कि 5:30 के बाद किसी भी परिस्थिति में यहां से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं किया जा सकता। एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, वो भी मैं दिखा देता हूं, मैंने दिखाया भी है कार्यक्रम में, उसमें ये लोग घुसते हुए दिख रही है। एफआईआर की कॉपी है जो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, इसमें नाम है निशिकांत दुबे के और बाकी 9 लोगों के, और एक सीसीटीवी फुटेज भी है। एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था कि क्या एटीसी में ये जो कोर्ट में विचाराधीन होने का मामला है, ये क्या है? क्या वाकई में 5:30 बजे के बाद वहां कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती और इन्होंने वहां पर ये सीसीटीवी फुटेज में मैं दिखा रहा हूं किस तरह से ये लिफ्ट से एंटर कर रहे हैं, क्या नियम है वहां के? क्योंकि आप वहां पर खड़े हुए हैं इसलिए मेरा सवाल है आपसे। यहाँ पे पहले से ही लोगों को बताया जा रहा है और पहले से बताया गया था, राजीव ढिगरा यहाँ के डॉक्टर वे पहले कहते थे यहाँ पे नाइट टेक ऑफ की सुविधा नहीं है। अच्छा, तो रोशनी जितना चाहिए दिखने के लिए वो 5:30 के बाद, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण समाप्त हो जाती है, और वे 5:30 बजे के बाद मतलब 5:17 में वो फ्लाइट में चढ़ते हैं, उसके बाद उतरते हैं एटीसी रूम में जाते हैं, डायरेक्टर पर दबाव बनाते हैं कि क्लियरेंस दो, जबकि डायरेक्टर का कहना है कि मैं रात के यहाँ चुके फ्लाइट उड़ने की व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे दूं। हाँ। दबाव बनाते हैं, उसके बाद वे वहां से उड़ जाते हैं, जिसके बाद इस व्यवस्था को, इस परिस्थिति को देखते हुए यहाँ के सुरक्षा अधिकारी जो DSP रैंक के अधिकारी है, उन्होंने कुंडा थाना को इसकी सूचना दी, लिखित शिकायत की, FIR दर्ज हुआ उन पर। अच्छा, ये एक चीज और भी है, चूंकि इस पूरे मामले में जो निशिकांत दुबे ने कहा, बीजेपी सांसद ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई इसमें हेमंत सोरेन उनके खिलाफ एक तरीके से साजिश रच रहे हैं या उनके खिलाफ ये पूरा मूवमेंट है, और जानबूझकर ये पूरा विवाद क्रिएट किया गया है क्योंकि इसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी डाल दिया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बात रही अगर एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट में तो ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, एयरपोर्ट में तो सभी लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं लोग आते जाते हैं, यहाँ बाबा नगरी है। और हेमंत सोरेन की बात है तो हेमंत सोरेन की पुरानी अदावत चल रही है लगभग 4-5 वर्षों से। अच्छा, जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं वर्ष 19 से लेके लगातार चल रहा है, कभी भूमि विवाद को लेके, कभी सरकारी जमीन दिखाने के विवाद को लेके, कभी किसी हेमंत सोरेन की पुरानी अदावत है और वे हर मामले में हेमंत सोरेन को लाते रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो पूरी परिस्थिति बनी इसमें एक चीज तो स्पष्ट दिख रही है कि वो हनक दिखाने का प्रयास तो हुआ ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो तस्वीरें दिख रही हैं और जो अभी तक का डेटा है, FIR की कॉपी जो कह रही है,
लेकिन क्या इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है और जानबूझ के ये पूरा क्रिएट किया गया, ये प्रायोजित था जिससे कि एक विवाद की स्थिति बने, सुर्खियां पैदा हों और फिर इस पे डिबेट हो और फिर ये पता चले कि भाई देखिए किस तरह से बीजेपी के डेलीगेशन को रोका जा रहा है पीड़िता तक पहुंचने के लिए। जी राजनीतिक संकट जो देखा जा रहा है हेमंत सोरेन के, लोगों को लग रहा है कि भाई कुर्सी जाएगी आएगी जाएगी, इसमें ये विशेष श्रेय लेना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात इधर ये भी देखता है कि डीसी यहाँ जो ये अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं गलत रूप में, अपने कार्यकर्ताओं को दिखाना चाहते हैं। उस दिन भी मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा जो दिल्ली से आए, तो उनका रुतबा, उनका प्रयास था कि हम रुतबा दिखावे इन सांसदों को, इन भाजपा नेताओं को कि हमारी रुतबा क्या है, देखो हम स्पेशली ऑर्डर लेते हैं टेक ऑफ का और फ्लाइट से चलते हैं। अच्छा, वरना कोई परिस्थिति नहीं था। 5-17 में उनको फ्लाइट उड़ाने का अनुमति मिल रहा था, इसके बाद वो गेट पर चढ़ के उतर जाने से ही लगता है कि मामला कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो है वो ये दिख रही है कि उनको अपना रुतबा दिखाना था, और साथ ही साथ एक तीर से दो शिकार वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए डीसी को भी बदनाम करना था। क्योंकि डीसी यहाँ अधिकांश लोगों की माना जाए तो डीसी यहाँ के लोगों में घुले मिले हुए है, ईमानदारी से काम कर रहा है, गरीब के यहाँ के भोजन करते हैं, दलित परिवार में जाके, जनजाति परिवार में जाके सभी लोगों से मिलते जुलते हैं। अब इनको लगता है कि हो ना हो भविष्य में हमारी राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इसको लेकर डीसी के पीछे बहुत दिनों से प्रयास में है। ये चुनाव आयोग में डीसी के खिलाफ गए, ये क्या कहते हैं लोकसभा में प्रिविजन लाने का प्रस्ताव दिए, उसके बाद कभी हाईकोर्ट जाने की बात करते हैं, विभिन्न इनका प्रयास है। एनकेएन प्राकरण किसी भी ढंग से मंजूनाथ भजंतरी को, जो यहाँ विकास के पराये बन चुके हैं, उनको इस जिला से ट्रांसफर करा देना। अच्छा, तो ये पहले भी इनका आपस में विवाद हुआ है क्या? जी, इनका सर हो चुका है विवाद, इनका पहले विवाद कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। अच्छा, बताते चले कि देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र स्थित हारूपुरा गांव में इन्होंने 32 एकड़ जमीन जो जनमजरुआ प्रधानी मौजा था, हाँ, उसको इनके प्राकरण रात्रि में मतलब दबाव देकर अफसरों पर और गैर कानूनी तरीके से लिखा दिया, जिसको मंजूनाथ भजंतरी डीसी ने कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ दुमका में पीड़िता के परिवार से मिलने का मामला नहीं है, इसके पीछे ये 32 एकड़ जमीन का भी एक एंगल है। 32 एकड़ जमीन का ही नहीं, इसके साथ ही जान लीजिए कि मंजूनाथ भजंतरी ही नहीं, इनको नोटिस देके ये पूछा था कि शिवधाम जमीन जो आप लिए 19 करोड़ की जमीन, उन्होंने 3 करोड़ में लिया और वह 3 करोड़ भी नगद ही दे दिया। इस मामले में सहायक निबंधन पदाधिकारी, जो अवर निबंधन पदाधिकारी होते हैं, उनको तो सस्पेंड कर दिया गया, आगे मामला हाईकोर्ट में लंबित पड़ा हुआ। लेकिन एक चीज मैं आखिरी में एक चीज मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ भाई, वो भी उनका निशिकांत दुबे का ये पक्ष है कि भाई वो चुने हुए सांसद हैं, उनके साथ जो लोग थे वो चुने हुए थे, जनता ने उनको चुना था और उनका अधिकार है कि वो पीड़ित के घर जाएं, उनसे पूछें, क्योंकि पीड़ित को इंसाफ दिलाना उनका पहला कर्तव्य है। अब अगर वो जा रहे हैं तो उनके खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है या उनको जबरन परेशान किया जा रहा है तो फिर ये तो गलत है। ये उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ मंजूनाथ तो एक मोहरा है, जो डीसी हैं उसको पूरा ऑपरेशंस जो है ऑपरेट कर रहे हैं हेमंत सोरेन। नहीं, ऐसा देखने से नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने पीड़िता के यहाँ गया, तो अगर हेमंत सोरेन इसमें साजिश में होते तो देवघर डीसी को कहते, जैसे हजारीबाग में पीड़िता से मिलने के लिए भाजपा के कुछ नेताओं को रांची हवाई अड्डा पर ही रोक दिया गया था, आपको पता होगा, उसी ढंग से यहाँ हवाई अड्डा पर ही रोक दिया जाता है। दुमका क्यों जाती है? दुमका गए, पीड़िता के परिवार से मिले, बातचीत किए, जो विरोध जाता रहता विरोध जाता है बयान दिए, इसमें तो कहे मंजूनाथ भजंतरी ने सामने नहीं आए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, और चूंकि आप एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं, आप वहां पर हैं तो आप ज्यादा समझ पा रहे होंगे। हमारे जो साथी हैं वहां पर धनंजय, उनका भी बड़ा शुक्रिया। एक दर्शक है हमारे साथ कल्पना, जम्मू कश्मीर से। क्या कल्पना कहना चाहती हैं, आपका स्वागत है के न्यूज पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे पालघर हो या देवघर हो, सत्ता का बल दिखाया जाता है। कपिल मिश्रा और बाकी जो उनके साथ थे, मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे थी, वो संवेदना प्रकट करने के लिए उस लड़की के जो बेचारी शहीद हो गई उसके घर गए थे।
लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति सोरेन साहब खेल रहे हैं। आप देखिए कि ये डीसी साहिबा जिनकी बात आप कर रहे हैं, इन पर भी पॉलिटिकल, इनको चाहिए, इनको भी पॉलिटिकल फेवर्स चाहिए। ममता बनर्जी के डीजी को देखिए, जब उनका ट्रांसफर हो रहा था तो वो धरने पर बैठ गए। कहानी ये होता है, ये लोग अपने ब्यूरोक्रेट्स को संभालने में उन पर हाथ रखते हैं। ये जो भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उन पर हाथ रखते हैं ताकि उनसे फेवर ले सके। ये लोग राइट अपना देखते हैं, अपनी ड्यूटीज कम देखते हैं। कहां थे सोरेन साहब? वो पिकनिक मना रहे थे जब उस लड़की के घर में ये मातमदारी छाई हुई थी। कल्पना जी, यहाँ पे आप देख भी रही होंगी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हेमंत सोरेन सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और उसको इस पूरे मामले में एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा विवाद क्रिएट हुआ है, ये एटीसी के नियम के को लेकर क्रिएट हुआ है कि भाई इन्होंने एटीसी के नियम का पालन नहीं किया और उसमें इन्हीं की जान को खतरा था, क्योंकि वहां से अभी ये अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है कि वहां से वो फ्लाइट टेक ऑफ कर पाती, समय पूरा हो चुका था। ये मामला है इसमें, उसमें तो हेमंत सोरेन को सवाल पूछे ही जाने चाहिए, वो तो कसूरवार है ही कि उनके रहते हुए इस तरह की घटना कैसे हो गई स्टेट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बात रखी अपनी कल्पना जी, और ये बहुत जरूरी भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। Servcon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servcon, rakhe sab control mein. Mast hai, bade mast hai, taste mein bhi lazzat hai. बड़ी मस्त है बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी न्यू शिवली रोड कल्याणपुर कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की जीवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। पूर्व आईएएस नीता चौधरी के अनुभव बेजो। मैंने 50,000 लोगों को उस साल लोन दिलवाया, 50,000। बेधड़क अंदाज और सरकारों की खोली पोल। शशिकांत भटनागर ने कहा चुप रहो, पूरी यूपी की उसने नाक बचा दी। चुटीले सवालों पर नीता के असरदार जवाब। मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्होंने कहा था जितने पैसे चाहिए ले लेना, गांव वालों ने सारा काम खुद ही कर दिया, कौन से पैसे चाहिए। शनिवार रात 9 बजे देखे पूरा इंटरव्यू सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन, मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल, सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल, आपकी कसौटी पर उतरेंगे खड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। के न्यूज़ की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और जेलेंस्की की जीवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। राष्ट्रहित में आज हमने झारखंड में जो हम बात कर रहे थे, झारखंड दरअसल बिहार से अलग होकर एक राज्य बना और जब से बना तब से वहाँ पर इस तरह की उथल पुथल होती रही है और उस उथल पुथल को लेकर हम बात करते रहे। एक और राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि वहाँ पर दो नए ज़िले बनाए गए। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित स्टेट है और यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर, यहाँ आदिवासी समाज को लेकर, नक्सलवाद को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं और यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने पूरे देश में एक सिहरन पैदा की, डर पैदा किया और ये जानने की उत्सुकता पूरे देश को रहती ही है कि वो ज़िले, चाहे वो सुकमा हो या दूसरे जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं, वहाँ पर हालात हैं कैसे। और यही समझने के लिए, चूँकि राष्ट्रहित में ये भी ज़रूरी है कि हम इस तरह के जो सेंसिटिव जोन हैं उन जगहों पर काम करने वाले लोगों से, वहाँ जो उसको ऑपरेट करते हैं उन लोगों के बारे में जान पाएँ, वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जान पाएँ और कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ किस तरह से काम करता है ये हम समझ पाएँ। तो ये हमने राष्ट्रहित में समझने की कोशिश की। झारखंड के साथ हमने छत्तीसगढ़ का भी इशू इस कार्यक्रम में लिया है और इसलिए हमने अपने साथ आज सुनील शर्मा हैं जो कि सुकमा में इस वक्त SP के पद पर काम कर रहे हैं और सुकमा बहुत सेंसिटिव है, ये आप जानते हैं, अक्सर जो घटनाएं होती हैं उसमें सुकमा का जिक्र होता है। तो सुनील साहब, आपका स्वागत है के न्यूज़ इंडिया पर हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रहित के। और मैंने आपके बारे में पढ़ा, ये दो तीन इशू हैं, पहले तो स्वागत आपका, दो तीन इशू हैं जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और एक ये भी है कि अभी हाल ही में एक घटना आई हुई जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान भी था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि दरअसल ये हुआ कैसे। वो आपके संज्ञान में भी होगी कि एक हत्या हुई चरवाहे की, उस पर मैं एक टिप्पणी आपकी चाहूँगा। और उसके बाद एक और जो मेरा सवाल है वो ये कि आपका जो पूरा अभी तक का कार्यकाल रहा है सुकमा में, छत्तीसगढ़ में चूंकि एक ज़िला और दो ज़िले और बने और अभी उनका हमने कार्यक्रम भी काटा जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल साहब, तो बड़ा एक अच्छा माहौल था, लेकिन सुकमा जैसे ज़िले में नौकरी करना कितना मुश्किल है, ये दो प्रश्न हैं। एक तो वो चरवाहे की हत्या से जुड़ा हुआ और आपके सर्विस से जुड़ा हुआ। ये चरवाहे की हत्या हमारे जगरगुंडा थाना क्षेत्र में हुई। उनका दूसरे गांव वाले जिनका खेत था उनके पशु खेत में घुस गए थे, जिनके वजह से उनमें आपस में विवाद हुआ और विवाद के कारण उन्होंने आपस में मारपीट हुई जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसमें अपराधियों को पकड़ लिया गया है। अच्छा, और अच्छा, कार्रवाई अच्छा, की गई है। अच्छा जी। दूसरा, जहां तक बात यहां पे काम करने की है तो सुकमा अपने आप में एक अति संवेदनशील जिला है। मुझे यहाँ पे लगभग 25 महीने हो गए हैं, 2 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा। और यहाँ पे पूरी टीम है, हम ही लोग नहीं है, SP है, कलेक्टर साहब है, पूरी CIPF की टीम्स रहती हैं, सभी मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा आसानी लाई जा सके। कितना मुश्किल होता है एक अधिकारी के तौर पर काम करना, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 साल में अगर देखें तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कई लोग शहीद भी हुए, हमारे जवानों की शहादत भी हुई। और छत्तीसगढ़ चूंकि बहुत सेंसिटिव है और उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ज़िले यही हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर एक आदिवासियों का मसला भी है, उसको लेकर भी तमाम तरह की चीज़ें आती हैं कि आदिवासियों का उत्पीड़न होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे और बेहतर जीवन दिया जाए, दूसरी तरफ नक्सलवाद को कैसे उनका आत्मसमर्पण कराया जाए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए या फिर उसको कंट्रोल किया जाए, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए क्या किस रणनीति पर आप काम कर रहे हैं?
ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है यहाँ पे काम करना, क्योंकि यहाँ पे सुविधाओं का बहुत ज्यादा जो बेसिक नीड्स होते हैं उसका काफी अभाव रहता है इन क्षेत्रों में। काफी जगह नेटवर्क का इश्यू है और काफी गांव है जहां तक अभी बिजली इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार नहीं हुआ है। सड़कें भी बहुत हद तक अभी अंदरूनी क्षेत्रों के गांव तक नहीं पहुंची है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इलाके जो है नक्सल प्रभाव में काफी हद तक जकड़े हुए थे। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक दिक्कतें ये होती है कि क्योंकि कहीं पे भी जो मूवमेंट है आपका वो खतरे से भरा रहता है। अच्छा। आपकी टीम मूव कर रही है चाहे आप खुद मूव कर रहे हैं, तो आईडी का एक रिस्क रहता है जिसमें आईडी आजकल नक्सली लोग जो है आईडी का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अच्छा। जिसमें कई बार बम विस्फोट में हमारे कई साथी इसमें शहीद हुए हैं और कई अंग भंग भी हुआ है। इसके अलावा जो परिवार से दूर रहते हैं जो सभी जवान हैं और अधिकारी हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के उतने अच्छे वो मार्ग नहीं रहते, उतने अच्छे स्कूल्स नहीं है, तो आपके परिवार अधिकतर लोगों के बाहर है और आप एक विषम परिस्थिति में रहते हैं। तो हमारा ये टारगेट रहता है कि परिवार को वो विषम परिस्थिति में ना डाला जाए। अच्छा। उनकी जान को खतरा ना बने, इसलिए हम अधिकतर परिवार हम लोगों के दूर रहते हैं हमसे। ये जवानों के साथ भी ऐसा ही है, हम लोग साथ भी ऐसा ही है। तो ये एक मानसिक तौर पे काफी तनाव भरा रहता है, लेकिन चूंकि देश सेवा करनी है और इस जिले के लोगों को कहीं ना कहीं नक्सलवाद के चंगुल से आजाद कराना है, तो ये सब सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम लोग इसी उद्देश्य से कि देश की सेवा कर रहे हैं, मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से सभी सैक्रिफाइस करते हुए काम करते हैं। सुनील जी, ये एक तो नक्सलियों के आत्मसमर्पण से जुड़ी कई आंकड़े भी आए कि अभी हाल के दिनों में काफी कंट्रोल किया गया है, और राजनाथ सिंह जी ने भी इसको लेकर एक बयान दिया था और कहा था कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर नक्सल मुक्त वो इलाका किया जाए, और छत्तीसगढ़ सरकार के लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन मैं, चूंकि आप वहां पर रूट में काम कर रहे हैं, वहां से ऐसी भी खबरें आती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई आदिवासियों को उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन ऐसी भी खबरें आती हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसमें आपका भी नाम है, जिन लोगों ने वहां पर उनकी बेहतरी के लिए सड़कों का जाल बिछाना हो, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, या फिर दूसरे जो ऐसे काम जो एक बुनियादी परिवर्तन ला सकें उनके जीवन में, वो हुए हैं। लेकिन इनमें, इनको करने में, इनको इम्प्लीमेंट करने में, और केंद्र और राज्य, चूंकि दोनों जगह की सरकारें अलग अलग हैं, इनके काम में तारतम्यता लाने में, एक आईपीएस होने के नाते और ऐसे सेंसिटिव जिले में होने के नाते, आप किस तरह से सिस्टम में काम कर रहे हैं, और क्या कोई आप नंबर दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगा कि जिन लोगों को आपने आत्मसमर्पण कराया और अब वो बेहतर जीवन जी रहे हैं, स्कूल से जुड़े हुए, बिजली से जुड़े हुए। जी, लास्ट ईयर हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन में नरको जो गौंडी वर्डिस का मतलब एक आयोजित किया, वो चालू कैंपेन स्टार्ट किया था। इस कैंपेन के अंतर्गत हम लोगों ने आदिवासी युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया था। अच्छा, इसमें अच्छा। अभी 300 युवा बस्तर फाइटर में हमारे जिले से भर्ती हुए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे सड़कों के जाल को अंदर से अंदर फैलाने में प्रशासन को भरपूर सहयोग दिया, जिसका परिणाम ये आज हमारे सामने है कि कुल 80 गांव यहाँ पे 340 में से ऐसे थे जन तक अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाया था। अच्छा। तो उनमें से 40 गांव, आधे 50% गांव को हम लोग सड़क पहुंचा पाए हैं एक साल के अंदर। इस साल में हमारा टारगेट ये है कि वो बाकी बचे गांव में भी सड़कें पहुंचाएं। इसके अलावा सर, यहाँ पे कुल 186 गांव ऐसे थे जहाँ पे विद्युत की व्यवस्था नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इस साल वो आंकड़ा घट के 151 आ गया है विद्युत गांव का। 36 गांव में बिजली चली गई है। हमारा टारगेट यह है कि इस साल के एंड तक कम से कम 50 गांव में और बिजली पहुंचाए। इसके लिए शासन जो है, छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार सहयोग यहाँ प्राप्त हो रहा है। अच्छा। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ शासन को सपोर्ट कर रही है। छत्तीसगढ़ शासन जो है पूरी ताकत के साथ हम लोगों के पीछे खड़ा है, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के वर्क को बहुत आगे पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे की बात करेंगे, तो उनमें भी हम लोग लगभग 100 किलोमीटर का विस्तार इन क्षेत्रों में जो अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे किए हैं। अच्छा। जिससे कि मेन रोड जो है कंक्रीट की रोड जो अगर बन रही है, जिससे जनता का जुड़ाव मुख्यालय से हो रहा है
और नक्सलवाद से उनकी दूरी घट रही है। इसके अलावा सर हम लोगों ने लास्ट ईयर यहाँ पे 4 कैंप ओपन किए और पिछले साल 4 कैंप, कुल 8 अच्छा। कैंप ओपन है जिससे कुल 250 वर्ग किलोमीटर का जो बड़ा क्षेत्र था जो नक्सलियों के द्वारा उसको आजाद इलाका घोषित किया गया, लिबरेटेड जोन करके उसको पुकारते थे, आज उसमें 250 स्क्वायर किलोमीटर की कमी उन क्षेत्रों में हम 2 साल में लाने में कामयाब हुए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग मेडिकल कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं। अभी तक 1 साल के अंदर हमने 100 मेडिकल कैंप्स लगाए हैं जिसमें लगभग के लगभग 10,000 से 15,000 लोग जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदर के इलाकों में फायदा उठा पाए हैं। इसमें सीआरपीएफ का बहुत ही अच्छा योगदान हमें प्राप्त हो रहा है अच्छा। उनके जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनके सरकारी अस्पताल हैं, जो उनके फील्ड हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें जवानों के साथ साथ वहाँ की जनता, आसपास की जनता जो आती है उनका भी इलाज चल रहा है जी। अच्छा। देखिए सुनील जी, ये तो है कि भाई एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते ये आपकी अभी सर्विस भी बहुत पुरानी नहीं है, तो एक चुनौती तो रहती ही है कि भाई आप इतने सेंसिटिव इलाके में काम कर रहे हैं, और ये भी चुनौती रहती है कि यहाँ से आपको और ज़्यादा बेहतर करके निकलना है, चैलेंज को स्वीकार करना है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इसको क्या सजा के तौर पर भी अधिकारी देखते हैं कि भाई सुकमा जैसा जिला मिल गया, आप कैसे हैंडल करेंगे इसको? खतरा भी होता है, मैंने देखा है उन परिवारों में कि जब ये घटना होती है और ये अचानक से होता है, ऐसा लगता है कि बहुत शांति है तूफान से आने से पहले की शांति, अभी जैसे आपसे मैं बड़ा बात कर रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि अच्छा अच्छा है, लेकिन अचानक से घटना आती है कि फलानी जगह पे आईईडी ब्लास्ट हुआ और इतने लोगों की शहादत हो गई, और ये वाकई में दिल दहला देने वाला है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप जहाँ हैं वो बहुत सेंसिटिव जोन है, यहाँ का आदमी या देश के बाकी हिस्सों में रहने वाला आदमी उस जगह की जो वहाँ का माहौल है उसको किस तरह से समझ सकता है कि अचानक से आप जा रहे हैं, आपका काफिला जा रहा है और अचानक से धमाका होता है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं और वहां के आम लोगों में कैसे एक सकारात्मक ऊर्जा का आप संचार कर पा रहे हैं? ये दो मेरे 2-3 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न में गुंथे हुए। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब यहाँ ट्रांसफर होते हैं, पोस्टिंग्स होती है, तो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा हमारे परिवारों के मन में तो डर रहता है अच्छा। कि क्योंकि सुकमा से जुड़ी चीजें वो लोग भी अखबार में, टीवी में और विभिन्न माध्यम में सुनते रहते हैं, तो इसमें कोई दोराव नहीं है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि परिवार जो है, खासकर माता पिता और जो अन्य परिवार जैसे बीवी बच्चे हैं, वो लोग इसको लेके काफी डरते तो है नो डाउट, लेकिन जब एक बार वो लोग साथ में आ जाते हैं और हमारी कार्यशैली देख लेते हैं, और यहाँ पे मेरे माता पिता खुद आके, मैं उन्हें बुलाया कि आप देख के जाइए अच्छा। क्योंकि वो मुझे फिर दिन में 5-10 बार फोन कर रहे थे डर की वजह से कि तुम ठीक तो ठीक तो, तो उनको मैं स्पेशली बुलाया अपने मम्मी पापा को अच्छा। वो दिल्ली से आए मेरे पास, मेरे साथ रहे यहाँ पे 6-7 दिन मेरे घर पे, रहने के बाद फिर उनको समझ आ गया कि भाई उतना रिस्क नहीं है यदि ठीक से मैनेज किया जाए, और जो मूवमेंट है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है हमारे फोर्स के, उनको यदि ठीक से फॉलो किया जाए तो घटना की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और फिर जहां तक सर घटना की बात है, मृत्यु का सवाल है, तो वो तो बड़े महानगरों में रोड एक्सीडेंट्स में और विभिन्न प्रकार की घटनाओं में कभी भी आ सकती है। यहाँ पे ये यह है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आईडी का रिस्क है, आईडी से बहुत सारी शायद क्या आप थोड़ा सा सरल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि आईडी ब्लास्ट को लेके जो ये जिसका नक्सलवादी बहुत ढंग से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में बता पाए कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, आम आदमी इसको किस तरह से समझे? सर ये लोग क्या करते हैं कि जैसे जो ऐसी सड़कें होती है जो कच्ची सड़कें होती हैं, या ऐसी सड़कें जो ब्लैक टॉप की काला ये टोल टार की सड़कें होती अच्छा, है अच्छा। इनके नीचे ये साइड से गड्ढा खोद लेते हैं अंदर अंदर, सुरंग टाइप का छोटा, और उसके अंदर ये क्रूड बॉम्ब जैसे पतीले में या किसी बड़े बर्तन में उसको डेटोनेटर और उसके बाद जो विस्फोटक सामग्री उसको लगा के और उसमें वायर जोड़ के नीचे उसको रोड के नीचे छुपा देते हैं अच्छा, अच्छा। और पेड़ पे मार्क कर देते हैं, कुछ कपड़ा वगैरह टांग देते हैं जो टारगेट जोन जो पेड़ होता है बीच में, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और तार को नीचे जमीन में दबा के, मिट्टी के अंदर दबा के बहुत दूर कहीं पहाड़ वगैरह पे या पेड़ पे दूर बैठ जाते हैं, और वो वहीं से ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कोई भी पुलिस बल का वाहन वहां से जैसे गुजरे या पुलिस बल वहां से गुजरे, तो जैसे ही वो दो पेड़ के बीच में जो उन्होंने कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए कपड़ा वगैरह लगा रखा होता है,
जैसे ही वो आते हैं तो वहां से वो बैटरी में तार जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोवाइड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसी जुड़ती है तो विस्फोट होता है, और जो भी वाहन या हमारे बल उस आईडी की चपेट में होते हैं वो लोग, वो वजन पे भी डिपेंड करता है, 5 किलो की आईडी, 10 किलो की आईडी, 20 किलो, 30 किलो, जैसा उनका टारगेट उस हिसाब से वो लोग बड़ी से बड़ी आईडी लगाते हैं। ये तो हो गया सर कमांड ऑपरेटेड आईडी जिसमें वो देख के करते हैं। अच्छा, कुछ जगह पे वो इस तरह की आईडी, सॉरी ये कंट्रोल आईडी है। अच्छा, एक दूसरी आईडी होती है जिसमें वो लोग मैकेनिज्म, एक स्प्रिंग लगा देते हैं दो लकड़ियों के बीच में। हाँ, यदि आपका पैर उस पे लकड़ी पे पड़ेगा तो वो दबने से कनेक्शन जुड़ जाता है और वो पड़ जाती है आईडी। तो वो ऐसी है कि जिसमें वो जंगल में लगा के छोड़ देते हैं रास्तों में, जिसमें हमारे जवान या हम लोग जाते हैं, हमारी गाड़ियां जाती हैं, तो जैसे ही प्रेशर पड़ता है, वजन पड़ता है उसका, उससे वो कनेक्शन जुड़ जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। वैसे आईडी में उनको अपने लोगों को उसको विस्फोट करने नहीं भेजना पड़ता है। अच्छा, और जब वो जनरल टारगेट करते हैं कि भाई किसी पे भी, जो भी कोई भी मर जाए, कोई भी चढ़ आ जाए, तो वो इस तरह की आईडी यूज करते हैं। और जब उनका टारगेट स्पेसिफिक होता है, हाई वैल्यू टारगेट होता है, जैसे कोई बड़ा पुलिस अधिकारी है या बड़ा कोई नेता है, उस वक्त वो एक अपना व्यक्ति बिठाते हैं। अच्छा, ताकि जो चिन्हित टारगेट है उसको अटैक किया जाए। ये अंतर है, ये जो जिसमें वो अपना बंदा बिठाते हैं और तार जोड़ते हैं, वो उस तरह की आईडी है जहाँ पे उनका टारगेट उन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई हमको फला व्यक्ति को या फला अधिकारी को या फला नेता को ही नुकसान पहुंचाना है। और ऐसी आईडी जिनमें वो किसी को भी नुकसान पहुंच जाए, जिसमें कई बार गांव वाले भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। जी सुनील जी, एक ये तो प्रश्न होता ही है कि भाई सुकमा के, मैं पिछले जो एसपी रहे हैं उनके बारे में भी मैं पढ़ रहा था और मैंने पता भी किया, तो सबके लिए अपने अपने लेवल पर चुनौती रही और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। मुझे पता चला कि आपने भी चूंकि बहुत सकारात्मक काम किया है तो कुछ अवार्ड्स आपको भी मिले हैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए। अगर आप बताना चाहें कि, क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है, जब जो वो लड़का भी जानना चाहता है जो इस तरह की सर्विस में आना चाहता है, आईएएस पीसीएस करना चाहता है, कि किस तरह की नौकरियां, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अच्छे जिले मिलेंगे, कुछ ऐसे भी जिले होंगे जो सेंसिटिव जोन होंगे, तो वहां पर आपको क्या, किस तरह से सम्मानित किया गया। और जो मौजूदा सरकार है भूपेश बघेल की, इस सरकार ने सुकमा जैसे सेंसिटिव जिले को हैंडल करने के लिए क्या वो तरीके अपनाए जो पहले नहीं अपनाए गए? क्योंकि आज के दिनों में मैं देख रहा हूं कि ये खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे जो नक्सलवादी हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया। अब इसमें ये कहा जाता है कि भाई केंद्र सरकार भी वहां पर चूंकि अभियान चला रही है और राज्य सरकार भी अभियान चला रही है, तो ये आत्मसमर्पण ज्यादा हुए हैं, इसमें किस तरह से काम किया गया? और अगर आप बताना चाहें कि जो आत्मसमर्पण हुए उसके बाद क्या वहां के जो आदिवासी लोग हैं या जो आम, उसमें एक ये समझ आया है उनको कि नहीं, अब जो है आने वाले समय में, आने वाले एक दशक के बाद हम फिर उसी तरह से जीत जय पाए रह पाएंगे जैसे छत्तीसगढ़ के बाकी जिले हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें मेरा तो ये मानना है कि इस नक्सल समस्या को लेके दोनों ही सरकार बड़े सीरियसली काम कर रहे हैं। अच्छा, केंद्र सरकार जहां राज्य सरकार को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ हमें मिला हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा राज्य सरकार पुलिस बलों के माध्यम से और हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, हाँ, और पूरा का पूरा जो हर तरह का जो गाइडेंस सपोर्ट है उसके माध्यम से हमें काम करने में इसमें बहुत ज्यादा सहायक साबित होते हैं। इस वर्तमान सरकार में एक बदलाव ये हुआ है कि इन्होंने विकास, विश्वास और सुरक्षा तीन चीजों पे फोकस किया है कि भाई डेवलपमेंट को जितना ज्यादा हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही लोगों में विश्वास पैदा होगा। अच्छा, और यदि विश्वास पैदा होगा तो एक सुरक्षित माहौल यदि पुलिस फोर्सेस बनाएंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे और नक्सलवाद का साथ छोड़ेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट जा रहा है अंदर अंदर तक इस सरकार के अंतर्गत, उसमें लोगों को एक भरोसा पैदा हुआ है कि अब नक्सलवाद के दिन जो है ज्यादा लग रहे नहीं है। इट्स ऑल मैटर ऑफ परसेप्शन। अच्छा, उनको जब ये लोगों को ये लगने लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, क्या सरकार का पलड़ा भारी है या नक्सलवादियों का पलड़ा भारी है, तो जैसा यहाँ पे आम आदमी जो यहाँ का ट्राइबल है और यहाँ पे जो नक्सलवादी छोटे मोटी चीजों से जो प्रभावित लोग थे, वो लोग जब ये देखते हैं कि भाई सुरक्षा बल, उनकी पहुंच और प्रशासन की पहुंच अंदर अंदर तक हो रही है, हर जगह सड़कें बन रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, बिजली जा रही है, टेलीकॉम, जियो नेटवर्क वगैरह और अन्य नेटवर्क यहाँ पे आ रहे हैं,
तो उससे उनको ये समझ में आता है कि भाई अब नक्सलवाद के दिन अब ज्यादा लंबे नहीं है, तो अच्छा क्यों ना अब हम जो है उसका साथ छोड़ के मुख्य धारा में आए, मुख्य धारा में आए हम जी। अच्छा परसेप्शन बदल रहा है। हाँ, आपको अवार्ड वगैरह भी कुछ मिले हुए हैं, आप अगर बताना चाहें कि किन किन कामों के लिए आपको ये अवार्ड्स दिए गए। जी वैसे तो काम खुद ही उसका अवार्ड है कि तारीफ आप करते हैं, मीडिया के माध्यम से तारीफ हो रही है। हाँ। घर परिवार में लोग बहुत उसको पसंद करते हैं, सरकार उसको पसंद करती है। लेकिन अब बात करेंगे तो डीजी सीआरपीएफ सर के द्वारा मुझे दो डीजी डिस्क प्रदान हुआ है। अच्छा। एक एनकाउंटर हुआ था बड़े नक्सल कमांडर का, उसमें उनके द्वारा डी डिस्क दिया गया। इसके अलावा हम लोग जो अंदर कैंप्स लगाए उसमें उन्होंने मुझे सम्मानित किया है डीजीपी सीआरपीएफ के द्वारा। इसके अलावा शासन की तरफ से भी काफी सारे प्रशस्ति पत्र जो है शासन अच्छे काम के लिए हमारे डीजीपी साहब और आईजी साहब देते रहते हैं समय समय पे। इससे प्रोत्साहन भी मिलता है, इससे जो अधिकारी काम कर रहे हैं इस तरह उनको प्रोत्साहन भी मिलता है कि चलिए ठीक है आपका जो काम है उसको लोग तरजीह दे रहे हैं। अच्छा लगता है सर। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। हाँ, लेकिन यदि कोई दूसरा भी आपके काम को अच्छा बताए तो उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा मैं, लगता मैं, है। मैं सुनील जी आपसे बात हो रही है तो मेरे दिल की बड़ी तमन्ना थी कि मैं इस तरह के इलाकों में एक बतौर पत्रकार एक रिपोर्ट करना चाह रहा था और अब भी मैं चाहता हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं कर पाऊँ। उस वक्त भी जब बहुत ज्यादा वहां पर हालात खराब थे कि वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, चूंकि अब तो हमारे देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं तो उस समुदाय से आती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मैंने आपसे संपर्क इसलिए भी साधा कि एक तो क्राइम का वहाँ रेट और दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इस क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसमें वहाँ के प्रशासन का और आपका बड़ा योगदान रहा। क्राइम की घटनाएँ हुई फिर भी, क्योंकि कई आदिवासियों से मेरी बात हुई इनफॉर्मल, तो उन्होंने ये कहा कि भाई उत्पीड़न भी बहुत हुआ है उनका और इस वजह से भी बहुत से लोग गए, ये भी बड़ा एक सवाल उठता है। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि मतलब मेरे जैसा पत्रकार बिना डरे अब वहाँ पर एक कोई रिपोर्ट कर सकता है एक सेंसिटिव जोन में, और क्या कर सकता है, एक तो सवाल ये, और दूसरा ये कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, ये मैं बिल्कुल बहुत निश्चल मन से पूछ रहा हूँ आपसे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कितनी तरक्की हुई है और आदिवासी जो एकदम आखिरी आदमी है, आखिरी तबका है, उसके बच्चे को क्या ये दोनों चीजें मुहैया हो पा रही हैं अब? टू बी वेरी फ्रेंक, यहाँ पे काम तो हुआ है लेकिन यदि हम देश के बड़े महानगरों से और बड़े शहरों से कंपेयर करेंगे तो नक्सलवाद की वजह से यहाँ पे जिस तरीके से जिस तेजी से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। अच्छा। नक्सलियों ने काफी स्कूलों को पीछे सलवा जुड़ूम के टाइम पे काफी स्कूलों को तोड़ा, उसकी वजह से वहां पे शिक्षा का अभाव तो पैदा हुआ। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार जो है उस गैप को भरने का कोशिश कर रही है, बहुत तेजी से उस गैप को भर भी रही है। अच्छा। लेकिन यदि हम कंपैरिजन देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, अन्य राज्यों के मुकाबले, या इस इलाके को सुकमा को जब कंपेयर अन्य जिलों के आंकड़ों में करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की जो दर है, साक्षरता दर है, वो अभी कम है। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है और नक्सलवाद जैसे जैसे हटता जा रहा है यहाँ से, वैसे वैसे शिक्षा में फर्क आ रहा है। सेम स्थिति स्वास्थ्य की भी है। दरअसल बहुत सेंसिटिव जोन होने की वजह से एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है वो ये रहती है कि डॉक्टर्स लोग यहाँ पे काम करने के लिए आना नहीं चाहते। दरअसल डॉक्टरी की पढ़ाई अपने आप में एक बहुत महंगी पढ़ाई है, बिल्कुल, दूसरा बहुत ज्यादा समय लगता है, उसके बाद इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर भाई बहन जो हैं, वो प्रयास ये रहेगा कि वो लोग हर कोई चाहता अपने जीवन में कि भाई मैं सुविधा संपन्न जगह पे रहूं, अच्छी जगह पे रहूं। इस कारण से यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्पेशलाइज डॉक्टर्स और सामान्य डॉक्टर्स, तो उनकी कई बार कमियां देखी गई हैं यहाँ के क्षेत्रों में, सुकमा में खासकर। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी पीछे सरकार ने एक पॉलिसी चेंज लाया था कि अभी रूरल इंटर्नशिप सभी डॉक्टर्स को करनी पड़ेगी, उसका बेनिफिट यहाँ मिल रहा है कि उस इंटर्नशिप के चलते डॉक्टर्स इन क्षेत्रों को मिल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे सरकार काम कर रही है और नक्सलवाद जैसे से घट रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में माहौल बेहतर हो रहा है, माहौल बेहतर हो रहा है। आखिरी में बहुत संक्षेप में कि हमारे जैसे जर्नलिस्ट अब बिना डरे आ सकते हैं क्या आपके इलाके में रिपोर्टिंग करने के लिए? मालिक हैं,
आपको कौन रोक पाएगा, आप कहीं जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका आपका सहयोग चाहिए। हाँ जी, बीबीसी के पत्रकारों को देखता हूँ वीडियो वगैरह, तो लीबिया सीरिया और खतरनाक वॉर जोन से करते हैं, तो उनके कंपेयर देखेंगे तो सुकमा तो काफी हद तक अब सामान्य परिस्थितियों में आया हुआ है। बिल्कुल, कुछ क्षेत्र रह गया अभी भी नक्सलियों के कब्जे में। अच्छा, उस पर हम काम कर रहे हैं और विद इन 2-3 इयर्स हम उनको बिल्कुल एजुकेट कर देंगे। आप प्लीज आए, आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमें ये बहुत जरूरी जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ और सुकमा के संदर्भ में, और हम इसीलिए कोशिश भी कर रहे थे और आपने कीमती समय दिया हमें, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में राष्ट्रहित के, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुनील शर्मा जुड़े हुए थे, ये सुकमा ज़िले में अभी इस वक्त कार्यरत हैं और इनके सामने बहुत चुनौतियां, आपने सुना भी होगा ज़रूर, इस तरह का एक माहौल बना है कि जो आदिवासी दूरस्थ इलाके हैं वहाँ पर एक पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला भी, दो ज़िले भी नए बने, तो इसलिए हमें लगा कि जो सबसे सेंसिटिव ज़िला है वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात की जानी चाहिए कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। राष्ट्र देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं इस कार्यक्रम में देखना। बहुत धन्यवाद।